हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 16 थिंग्स सिर्फ एक चीज़ से कैसे सीखेंगे उसके बारे में बता रही हूँ। इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं चाहिए बच्चों को। वो क्या चीज़ है आपको इस वीडियो से पता चलेगा। ये वीडियो पूरा देखिएगा और आई एम 100% श्योर आपको अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। सो प्लीज़ सी वॉट इज दिस एंड देन शेयर इट। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको वो एक चीज़ जिससे 16 थिंग्स आपका बच्चा सीख सकता है बिना आपके हेल्प से, वो ये है माई ई बुक। ये कैसे वर्क करता है प्लीज़ देखिए। सबसे पहले हम ऑन ऑफ बटन प्रेस करेंगे। इसमें ये एक पेन दिया रहता है जिसे हम प्रेस करते हैं। इस पेन से बच्चा ग्रिपिंग पावर भी सीखेगा कि पेंसिल को कैसे होल्ड करना है, कितना फोर्स लगाना है। अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले पेज में आपको अल्फ़ाबेट्स दिए हैं। इसमें आपको ए बी सी पूरा बोलेगा, ए फॉर एप्पल बोलेगा और एप्पल की स्पेलिंग भी बोलेगा। तो उसके लिए बटन्स दिए गए हैं। पहले हमको गो प्रेस करना है, हर पेज में गो प्रेस करना है। अब ये बी, अब ए फॉर बोलना है तो उसके लिए आपको दबाना पड़ेगा वर्ड। अब स्पेलिंग, तो स्पेलिंग के लिए स्पेलिंग का बटन। ऐसे सब है आगे। इसमें क्वेश्चन भी पूछेगा आपसे। सपोज क्वेश्चन, लॉयन, ये अब मैं रॉन्ग बोलूंगी, सपोज रॉन्ग करूंगी। लाइक दैट आगे ऐसे ये पेज दिया है। ये मैथ्स के पेज हैं। इसमें सपोज यहाँ गो प्रेस करेंगे ये वाला। अब इसको वर्ड, सॉरी स्पेलिंग, वन सपोज क्वेश्चन करते हैं इसमें। सेवन माइनस टू अगर मैं रॉन्ग करती हूँ, सो तो अगर मैं करेक्ट करूँ तो ऐसा बोलेगा। ऐसे ही एनिमल्स के पेज गिवन है, सेम प्रोसेस है। फिर ये फ्रूट्स नेम गिवन, देन वेजिटेबल्स नेम गिवन, फिर ये शेप्स नेम्स कलर्स नेम गिवन ही है, और ये लास्ट पेज है व्हीकल्स नेम। इसमें पोयम का बटन भी है। ये मैं इसको प्रेस करती हूँ तो इससे आपको राइम्स मिलेंगे। इसमें एक बटन है रिपीट, कोई भी चीज़ रिपीट करना तो रिपीट का है, वॉल्यूम बढ़ाने का है, वर्ड है, स्पेलिंग है, और ऑन ऑफ बटन और क्वेश्चन मार्क कुछ भी पूछने के लिए। और मैंने अपने बच्चे के लिए ये ऑर्डर किया था। इसका हिंदी भी आता है और हिंदी इंग्लिश मिक्स भी आता है, इंग्लिश वाला भी आता है। तो ये मुझे लगता है कि पेरेंट्स और बच्चे दोनों के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है आज के ज़माने के हिसाब से। और अगर आपको ये पसंद आता है तो इसका लिंक जहाँ से मैंने लिया था मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और ऐसे ही और एजुकेशनल टॉयज़ या इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ जो एजुकेशनल बेस्ड बने हैं उसके मैंने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, आप विजिट कर सकते हैं, मेरे चैनल में है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।